और उस खामियों पर आपकी खूबियां तो ज्यादा और दोषी ठहराना मेरे विचार से ज्यादा उचित नहीं होगा। और ये मौका कैसे उनके लिए भी नाम है जब फाइनल मैच की इनॉग्रेशन होती है उसके पहले हम राष्ट्रगीत शायद अब आमंत्रण किया गया होगा और काफी सारे फुटबॉल एक्सपर्ट्स इनके साथ जुड़ी हुई है। जी पहला फाइनल में पहला गोल के लिए आकर्षक नाम है, इस बात पर ध्यान देंगे। इनके साथ साथ और एक सूचना है हमारे एक अतिथि का, एक मोबाइल गुम हो चुकी है जिस किसी सज्जन को वो मोबाइल मिल चुका है, ईमानदारी का परिचय देता हुआ मोबाइल हमारे कमेटी में पहुंचा देंगे। फाइनल में फाइनल फर्स्ट गोल के लिए 800 रुपये का इनाम है, फर्स्ट स्टूडेंट की उत्पल और हुडी। देखिए मेरी बात है, कौन से नामदार खड़े होंगे जो पहला जमीनी गोल लगने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं फाइनल के मुकाबले में। और आपके बीच भी हमारे मैच सफरी मातोराम किस्को स्टेट लेवल के विनायक मौजूद है। दोनों टीमें स्टार का भर मारा, जहां तक बात की जाए शुभम स्पोर्टिंग पदमपुर आज दिन भर मेहनत की है और मैदान में पूरी तरह आज पूरी तरह सेफ हो चुके हैं। आज के वातावरण, आज के दर्शकों के माहौल के साथ ये एडवांटेज इनके पास रहेगा। वही बेटी बस सातवा टीम की अगर बात की जाए तो आज दिन भर का रेस्ट मिला है, पूरे तारोताजा होकर आए हैं, ये एडवांटेज इनके लिए रहेगा। सभी खेल के मामले में आप चाहूंगा जब दोनों टीम की खिलाड़ी मेहनत करके इस मुकाम में पहुंचे हैं तो शुभम स्पोर्टिंग टीम में पब्लो मुर्मू गोलकीपर है, राजाराम हासा चांदो जैसमे, दीपक मुर्मू जैसमर तीन, सुनील हेम्ब्रम जैसमर 12, गांधी हेम्ब्रम जैसमर 15, छोटू हासदार टीम का कप्तान 9 नंबर जैसमे जो खो खो के खेल में नेशनल भी खेले हैं, बिट्टू माली 2 नंबर जैसमे, बुद्धेश्वर टुडू जैसमर 14, दुखु सोरेन जैसमर 7, टीम में सदन हेम्ब्रम चंद्रा और सुनील हेम्ब्रम टीम के साथ जुड़ी है। यहाँ प्लान में फिलहाल नजर आ रहे हैं। फॉरवर्ड पंक्ति में बाबू यानी रामचंद्र और संतोष सोरेन मौजूद है। हाथों टीम के साथ टीम की अगर बात करिए, कुछ साल पहले इस मैदान में फाइनल को खेले यानी 2021 में फाइनल को खेले और इस साल भी फाइनल तक का सफर को तय कर चुके हैं। टीम के नपाय नपाय खिलाड़ी को मेरा कल पावन नॉक खेल रहे टीम आपको जीत कर रोकन तजुर्बा तकनीकी तदबीर और तकदीर, ये कुछ बातें हैं, ये पांच बातें हैं, ये बहुत अहम होता है फुटबॉल में। जैसे आप पांच बातें बोलते हैं कि आपका रिसीविंग, किकिंग, हेडिंग, तो ऐसे ऐसे आनंदपुर में वहाँ कम से कम 5-6 हजार की एक साइकिल चमत्कार साइकिल हाइएस्ट स्कोरर के तौर पर उसको मिला था। ये 4 गोल उन्होंने किए थे जी, एक समय तरीके चार खड़ी मैदान में नजर आ रहे हैं।
बॉल का बढ़ता प्यास और स्वीकर चापर अच्छे तालमेल आठ नंबर की खिलाड़ी का अच्छी लुपिंग बोल बहुत ही लंबी शॉट वो भी नीचे प्लेटेड है संतोष सॉरेन के लिए मौका हो सकती है लेकिन चंद्रमोहन नंबर थी जैसे सेट और लेट विष्णु सॉरेन मेमोरियल ट्रॉफी का तेल सहारा हुआ अतः सेकंड सिर्फ दसवां सिर्फ कमेटा 40,000 पास नंबर का सी जर्सी शर्ट और लेट किसी सरल मेमोरियल ट्रॉफी का तेल सहारा हुआ थर्ड प्राइज लगी दे 25,000 प्लस लेट ना निरंजन पात्रो मेमोरियल ट्रॉफी अपुन सिर्फ लगी दे 25,000 प्लस लेट निरंजन पात्रो मेमोरियल ट्रॉफी तो मेन का वहां लड़े किछु घड़ी पर उधर हाथ पा में टीम नपाय तक को बेकार लिया उनका के नपाय तक बेकार के शुभ स्वॉर्डिंग पदमपुर दोहरी टीम लगी बबीते चंद्रमोहन चंद्रमोहन तो पीटी में हाथ पा टीम तो किछु करना खेल किन खिलाड़ों का जहाँ नंबर की जर्सी पर पदमपुर टीम के ये चंद्रमोहन है ये कुछ मैच से पीटी में हाथ पा के लिए भी खेले हैं बहुत अच्छे तालमेल पर मौका बन सकती है सुनील के लिए दोनों टीम अटैकिंग खेल को खेल रहे हैं अब तक डिफेंसिव रणनीति को नहीं अपनाए और दोनों टीम का चाहत यही है सिकंदर जी कि किसी भी तरह हम लोग दो तीन गोल से मैच को जीते बेहतर चैंपियन माने इस सपना को सजा कर मैदान में उतरे होंगे और इन जैसे समय है इनके पास दो तीन गोल कर सकते हैं लेकिन अच्छी मजबूत टीम दोनों है और मजबूत टीम में अच्छी तरह जानते हैं कि हमें डिफेंस करना है फिर आक्रमण करना है दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए अपना भाई एक आपका डिफेंसिव राइटिंग है क्योंकि आप डिफेंसिव करते हैं तो मैच आप पे दबाव आएगी वही अगर आप अटैकिंग करते हैं आपका डिफेंस की कमजोरी होती है आपका डिफेंसिव टीम आपका डिफेंसिव टीम कमजोर और बना हुआ जिस्टर के दान खड़ी और कम के मिट्टी अटैक मोमेंट बोल मरा हुआ बोला बोल टीम को जीत के रहा आप बोल बोलते लेफ्ट विंग पाकिस्तान बोल मरा बटा दिया कुर्मटू बड़े रामचंद्र मुर्मू लापा बोल सिवा लगी अरे वैसे अगर प्रकाश लगी बोल की निमका मुझे दिल रेत करा कुछ होकर शेफलील के मुकाबले में जहां तक बात की जाए दुखू पदमपुर के लिए बहुत ही गजब का गोल मारे थे और दो दमदार गोल मारे थे अरे पहला गोल सुन होता है अगर विपक्षी टीम की खामियां भी देखें और उस खामियों पर आपकी खूबियां और इस गोल के लिए पीटी में सार्थपा टीम के गोलकीपर को ज्यादा दोषी ठहराना मेरे विचार से ज्यादा उचित नहीं होगा और ये मौका गजब का सवाल लेकर गजब का पंच आउट नंबर गोल कीपर बबलू मुर्मू के द्वारा नंबर का बचा बबलू की जब चले फिर से मौका और अच्छी बचाओ और इसी से ही पता चलता है अपना जी इसी से ही पता चलता है अपना जी की शेर कितना घायल हो चुका है घाव कितना गंभीर लग चुका है और जब शेर घायल हो जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और चलिए सुरेश जी के बिलकुल का सामना करना पड़ा इनके लिए तो इनाम है हालांकि हर तरफ गोलकीपर पर जो चैतन्य गोल खाए उनके लिए भी इनाम है प्रकाश प्रेम के द्वारा एक नंबर का एक जी बिल्कुल बिल्कुल और यही एक खासियत इस प्रोग्राम का जो भी दर्शक आते हैं कमेटी के सदस्य बनकर चले जाते हैं फिलहाल मौसम मुकाबला
स्टिल बोथ टीम आर लेवलिंग पोजीशन शुभम सोडी पदमपुर वन एंड पीटी मेसर हरदप आल्सो वन दिस अमर गांधी गांधी टू छोटू टीम कैप्टन छोटू ये चंद्रमोहन जयश नंबर एट उपो सामन राउंड पास में सामन दिस टाइम ऑफ फॉरेस्ट वर्सेस शिवा गुड कॉम्बिनेशन बाबू संतोष संतोष को फॉरेस्ट ये संतोष सॉरी जयश नंबर इलेवन राउंड बाय संतोष सॉरी बहुत ही गजब का खेल को पीटी में सार्थक बात फुटबॉल टीम अच्छा तो सुर पाटार बन येल को ससम देसी दे सुभम इस वोटिंग ये पदक बोल अच्छी क्लियरेंस आप लोग चक्र मोहन के द्वारा फिलहाल लंबी कीक लेते हुए गोलकीपर चेतन दोनों गोलकीपर पूरी तरह टूर्नामेंट में छाया रहा दोनों टीम के गोलकीपर का प्रश्न लाजवाब रहा है फिलहाल प्रीम आसमान दोनों टीम के डिफेंडर नहीं गोल मारे दोनों टीम के डिफेंडर नहीं गोल मारे कुछ साल पहले जहां तक बात हो जाए डिफेंडर को कुछ साल पहले हम लोग ज्यादा मायने नहीं देते थे मैन ऑफ द सीरीज के लिए जब फीफा जैसे बड़े संस्था डिफेंडर को वर्ल्ड के टॉप रैंक के खिलाड़ी की गिनती करे तो हम सब को भी सीरीज के दावेदार डिफेंडर को मानना चाहिए और बहुत ही कमाल का खेल को खेले दोनों टीम सिकंदर जी अब तक कहना मुश्किल है आखिरकार कौन से टीम चैंपियन बनेंगे क्योंकि जिस अंदाज में दोनों टीम अटैकिंग खेल को खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि फिर से दर्शकों को जमीनी गेंद देखने को मिल सकते हैं मिल सकती है क्योंकि दोनों टीम बहुत ही अच्छी लेवल कंडीशन लाने के बाद खेल की गति पकड़ ली है और ऐसे भी फुटबॉल की बात करें तो कभी भी फुटबॉल में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है हालांकि किसी भी खेल में हो ये अनिश्चितताओं का खेल है कभी हम निश्चित नहीं कर पाते कि यही टीम जीतेगी ठीक उसी टाइप का दोनों टीमों ने कमाल का प्रदर्शन किया जहां एक अच्छा मौका मिला जीवित कल फसल जोड़ है अनुभवी खिलाड़ी और उसकी कमियों को आपको आने नहीं दे रहे पर प्रेम यही एक अच्छे खिलाड़ी के पहचान होते हैं जो आपका अगर सीनियर खिलाड़ी इंजोर्ड हो जाते हैं तो आपको जो रणनीति अपनाना चाहिए उस रणनीति के तहत आपको खेलनी होगी अच्छी तालमेल पर आसमान उनको आगे बढ़ने का प्रयास चंद्रमोहन बुद्धि को डालना चाह रहे थे इस मैच में थोड़ा सा बुद्धि खामोश लग रहे हैं उनको सही तरीके से बोल पाने में भी असमर्थ थे उनके सहयोगी खिलाड़ी चलिए स्मिथ फिर से हार दफा लेकिन बॉडी का संतुलन खो बैठे बहुत ही अच्छा मौका पदमपुर के लिए टीम के कप्तान छोटू बहुत ही अच्छी टर्न चंद्रमोहन बहुत ही शानदार ग्राउंड पास पर साथी कटे की पक मुर्मू के लिए अच्छी ललित बॉल मौका बन सकता है सवाल का शहर लेकिन चेतन का ये हमें काफी विकेट फिनिश करनी होगी क्योंकि दोनों टीमों ने सॉरी दोनों ही कीपरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और खेल वो नजारा पेश हो रही है कि दोनों ही और आग लगी है और दोनों ही टीम की खिलाड़ियों को भूख नहीं लगी है क्योंकि गोल की भूख हर खेल में आ और इसकी तापीस दर्शकों तक हमें देखने को मिल रही है क्योंकि दर्शक एक लोक दर्शक बने हुए हैं उनके दिल की धड़कन जहाँ 70 होनी चाहिए उसमें डबल हो रहा है यानी एक छोटे आदमी के दिल की धड़कन 70 पर चलती है लेकिन जब उसकी धड़कन तेज हो जाती है जैसा लगता है कि हर मूवी देख रहे हैं कि कब भूत निकालने वाला है और उसी ठग पर एक खेल बिल्कुल अक्कर ने सही कहे यहाँ पर धड़कन तेज होंगे जिस समाज से यहाँ पर दोनों टीम की खिलाड़ी जो खेल रहे हैं तो जहां तक बात की जाए जो प्रेशर है आपका शरीर का
कभी उतार चढ़ाव जिनका ज्यादा होता है, तो मैं अपने तरफ से टेक्निक ये कहना चाहूंगा, जहां तक तो मैं रहेगा, सबसे अच्छी बात होता है बड़े बड़े कोच का यही कहना है कि गर्मी के सीजन में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, शरीर का वजन भी बढ़ेगा और आपका जो शरीर ज्यादा स्वस्थ होने की संभावना रहेगा। विज्ञान के दृष्टिकोण से कहा जाए तो एक व्यक्ति को रोजाना 19 किलोमीटर पैदलिंग करना चाहिए। अगर आपको उतना टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम सप्ताह में 3 रोज प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य होता जा रहा है। और उस बीच से कच्चे तालमेल का तहत बोल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ फिटनेस टीम की खिलाड़ी जो बॉडी के काफी राइट जोन में आया, फ्रंट की ओर बॉल आते तो फेयर को चलाने में कोई गलती नहीं की थी, क्या करना चाहिए? उसको इनसाइड करने के लिए चाहिए थी, इन स्विंग कराने से थोड़ी सी बात डिपेंड थी शायद, लेकिन हड़बड़ी भरा शौक था और हमेशा हड़बड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी होता ही है। और जब इस तरह का खेल जब चल रहा हो तो निश्चित है कि सभी थोड़े प्रेशर में होते हैं, और प्रेशर होना भी चाहिए क्योंकि अगर हम राशि की बात करें पदमपुर की टीम क्या बचे हुए समय में फिर से गोलदार पॉइंट के ऊपर बेटी में सहर दफा यहाँ पर जो तीसरी गोल करना चाहिए, तीसरा गोल करना चाहेंगे शुभम स्मोडिंग पदमपुर की टीम। वेस्ट बंगाल के कोने कोने ओडिशा सभी आए हैं, गजब का माहौल, गजब का दृश्य, अनोखा दृश्य देखने को मिल रही है। फिर से बोल कॉर्नर होता हुआ शिवा को जीतने का कामयाब रहा बंगाल और ओडिशा के लिए, क्योंकि उसका विपरीत थी भी जिस प्रकार से 2-1 की बढ़त ले चुकी है और दबाव बना रहे हैं। और हमारे ये टीम के बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहूंगे, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी एग्रेसिव होकर मतलब एकत्र तो मन से जैसे बगुला मछली निकलने का वक्त या फिर इस तरीके से वो एकत्रित होकर इंतजार करते हैं। हमारे यूट्यूबर बंधु भी इस तरीके से बार बार कैद कर हर वो चीज हर एक्टिविटी प्लेयर की ये काबिल तारीफ है। एक अभी ना धूप देखते हैं ना बरसात देखते हैं, कल मैं देख रहा था कि बारिश होने शुरू हुई तो उन्होंने छाता लगा लिया, ऐसा नहीं कि मैंने बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि और उन्होंने, इसलिए मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा सभी यूट्यूबर बंधुओं को। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताए, साथ ही साथ काफी सारे दूरदराज हमारे दर्शक भी आए हैं, हो सकता है बहुत सारे कमेटी के आप लोगों को पदाधिकारी भी मेहमान भी। मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा एक कमेंटेटर होने के नाते यूट्यूबर काफी मेहनत करके दूर दूर से आते हैं, आप लोग उनको हाजिरी भले मत दीजिए, कम से कम डिस्टेंस के आधार पर मेरे विचार से उन लोग को तेल डालने का पैसा अवश्य दीजिए। जी आपने सटीक बात कही जी, जिससे हमारे यूट्यूबर को ज्यादा दिक्कत ना हो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, क्या कहना चाहेंगे सिकंदर जी? आपने एकदम 100% सच कहा। रवि अभी एक बंदे मुझे घाटशिला से फोन किया, वो बेचारा खेल देखने नहीं आ पाया, सुबह से परेशान था, देख रहा हूँ कहाँ ना घाटशिला में, तो बताइए यूट्यूबर बंदे ने कितनी जल्दी फिर मैच उन्होंने लाइव पे भेज दिया और बंधु वही से देख रहे हैं, वो बिंदास का देखे कि नहीं बिंदास 2 गोल से हार रही है, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं सही में आप यूट्यूब में देख रहे हैं। जी बिल्कुल और इस बीच बहुत अच्छा मौका हार्दिक टीम के लिए हो सकती थी, हालांकि लुढ़कते बॉल सीमारेखा से बाहर हो चुकी है, समय बहुत ही कम है, कम समय में बिटी में हार्दिक टीम की खिलाड़ी क्या कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएंगे। हालांकि कहा भी जाता है कि जंगल में जब शेर जब सोते हैं तो 8 से 10 हरे दोनों टीम के शेर दोनों टीम के स्टार के लिए तहलका मचाने के लिए चंदा लमूंगा जंगल।